डीएस के हैं आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। गाइस आज शिल्पा शिंदे ने ट्विटर से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अब जितने भी शिल्पा फैंस हैं जो ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उन्हें एक तरह से एक हार्ट अटैक टाइप का आ चुका है। कई लोग एकदम से मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। मुझे भी ऑल ऑफ अ सडन कई लोगों ने मैसेज किए कि यार ये क्या हुआ है, क्या हुआ है। एंड ये एक तरह से सरप्राइज था, किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। सो मैंने शिल्पा जी को कॉल किया है, लकीली उनसे मेरी बात हो गई और उन्होंने मुझे रीजन बता दिया कि ये क्यों हुआ है। जो लोग शिल्पा जी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, शायद उन्हें पता होगा कि पिछले एक दो दिनों से शिल्पा जी ने काफी लोगों को ट्विटर पर फॉलो किया, काफी शिल्पियंस को फॉलो किया। एंड शायद यही जो बात थी, इसी बात ने ट्रिगर कर दिया शिल्पा जी को ट्विटर से अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं सारी की सारी गलती उन्हीं फैंस की मानूंगा जो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए हैं, बहुत सुपीरियर मानने लग गए हैं। आपको याद होगा मैंने पीछे के दिनों में एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने कहा भी था कि यार आप लोगों ने शिल्पा शिंदे को किस लिए सपोर्ट किया था, कि आपको वो दिन भर बैठ के बर्थडे विश करती रहे, एनिवर्सरी विश करते रहे, या आपके मैसेजेस का जवाब देती रहे, या आपने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। अब शिल्पा जी ने किसी फैन को फॉलो कर लिया, अब शिल्पा जी ने फॉलो किया है ये बात दुनिया को बताएगा, अब उसने ये बात बताई, दूसरे फैन जल गए, दूसरे जल गए तो शिल्पा जी ने कुछ और को फॉलो किया, कुछ और को फॉलो किया तो बाकी के जल गए। पल पल मैसेज करना, आज उसका बर्थडे विश कर दो, और आपने उसको फॉलो कर लिया मुझे फॉलो कर लो, आपने उसको फॉलो किया मुझे फॉलो नहीं किया। मैंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, मैंने आपके लिए बहुत सपोर्ट किया है, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीएम्स बनाए, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने आपके लिए बहुत सारे पिक्चर्स बनाए, मैंने आपके लिए बहुत सारे वोट किए। मतलब क्या है, मतलब इतना इतना कौन करता है भाई है? शिल्पा जी अपने फैंस को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने जितना हो सका फैंस को रिस्पॉन्ड किया। कोई सेलिब्रिटी इतना नहीं करता जितना शिल्पा शिंदे अपने फैंस को टाइम देती हैं, सपोर्ट करती हैं। लेकिन कोई भी बात या कोई भी चीज होती है ना, वो एक लिमिट से ज्यादा फिर अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर जितने फैंस हैं उन्हें समझना होगा कि कोई सेलिब्रिटी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है, डजंट मीन कि उनकी जिंदगी में और कोई काम नहीं है। वो शूटिंग कर रही हैं, वो तमाम जगह पे बिजी रहती हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपको विश करे, अगर उन्होंने विश नहीं किया तो आप नाराज हो जाएंगे, अगर उन्होंने आपको फॉलो नहीं किया तो आप नाराज हो जाएंगे, आप उन्हें सपोर्ट करना छोड़ देंगे, आप नेगेटिविटी फैलाएंगे ट्विटर पर। सो ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर हटा दिया, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। लोग ये बात भी करेंगे शिल्पा शिंदे ने कपिल शर्मा को सपोर्ट क्यों किया, कपिल और सुनील का झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से कपिल और सुनील अलग हो गए, अब शिल्पा काम कर रही सुनील के साथ और वो कपिल को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें गलत क्या है भाई? सबका अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अलग दृष्टिकोण होता है। जब शिल्पा शिंदे अकेली पड़ गई थी, उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि जब कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है तो वो कितना अकेलापन फील करता है, उसे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर इंडस्ट्री में रहकर शिल्पा शिंदे ने कपिल शर्मा को सपोर्ट कर दिया तो इसमें क्या गलती की? इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि वो सुनील का शो छोड़कर कपिल के सपोर्ट में आके बैठ गई हूँ, वो सुनील का शो कर रही है ना, और एक इंसानियत के तकाजे के नाते अगर कपिल के सपोर्ट में दो चार ट्वीट कर दिए या उनका ओपनली सपोर्ट कर दिया तो इसमें गलत क्या हो गया है? ट्विटर पर देख रहा हूँ मैं कुछ फैंडम्स, कुछ ट्विटर हैंडल्स, कुछ न्यूज पोर्टल्स तमाम तरह की खबरें फैला रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जितनी नेगेटिविटी आज के जमाने में है उतनी कहीं नहीं है। तो जब सोशल मीडिया पर आप रहेंगे ही नहीं तो आपको ऐसी नेगेटिव बातों तो आपको ऐसी नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी नहीं। यही वजह है जिसकी वजह से शिल्पा जी ने ट्विटर से अपने आप को अलग कर लिया। फैंस को भी समझना होगा कि यार शी इज अ सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको रिप्लाई कर रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो आप 24 घंटे उनके पीछे ही पड़े रहें। उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना टाइम है, उन्हें एंजॉय करने दीजिए अपना टाइम। एज अ फैन आप उन्हें सपोर्ट करते रहें, इसका यह मतलब नहीं कि आपने उन्हें खरीद लिया है कि 24 घंटे वो शिल्पा आपको आखिर रिपोर्ट करे कि हाँ जी अब आपको क्या विश करना है, हाँ जी अब आपको क्या विश करना है, अब आपके लिए मैं क्या करूँ। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, उन्हें अपनी जिंदगी में अपना एक फ्री टाइम एंजॉय करने दीजिए। हालांकि मुझे कई लोगों ने ट्विटर पर सवाल पूछे थे तो मैं सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जब मेरा ये हाल है तो शिल्पा शिंदे को डेली कितने मैसेजेस आते होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। आई गेस मैंने आप सबके जितने डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या फिर भी कोई शक या सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।